नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जनुदन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। दर्शकों, जैसे कि नगर पालिका के जो है वो चुनाव आने वाले हैं आने वाली 27 दिसंबर को, उसी की कड़ी में मैं आज पहुंची हूं हरियाणा के गांव सांपला के अंदर, जहां पे बीजेपी से प्रत्याशी हैं सोनू जी, जो कि इसमें चेयरमैन के जो पद के ऊपर जो है वो प्रत्याशी जो है और चुनाव लड़ रही हैं। तो आइए जानते हैं सोनू जी से कि वो आगे इस कड़ी में जो है वो क्या क्या करने जा रही है, इलेक्शन के दौरान क्या क्या किस प्रकार से जो है वो उनका प्रचार जो है वो हो रहा है। नमस्कार सोनू जी। सोनू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो ये चुनाव आने वाला है। सोनू जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो अभी नगर पालिका के जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें अब तक इससे पहले जो प्रत्याशी रहे हैं, जो उम्मीदवार इसके रह चुके हैं, उन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए हैं, और आने वाले इस चुनाव में अगर आप विजयी रहती हैं तो आप कौन कौन से जो है वो कार्य यहाँ पे करवाना चाहते हैं। नमस्कार, पहले तो मैं बोल रही हूँ सोनू वाइफ ऑफ नवीन वाल्मीकि जी। यहाँ के पहले तो सबसे पहले भाजपा ने जो हम पे विश्वास जताया है जी, उस पे हम खरा उतरेंगे, जो भी काम हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पे आपका जो एरिया है उसमें कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप दूर करना चाहेंगे अगर आप विजयी होते हैं तो? सबसे पहले तो मैं यहाँ की गलियों का वो विकास करवाना चाहूँगी जी। दूसरा, पानी की सप्लाई, गंदे पानी की सप्लाई आती है यहाँ, उसे दूर करना चाहूँगी जी। बिजली बहुत बहुत कम रहती है इस गाँव में, बिजली का वो करना चाहूँगी। अगर मैं बात करूं सीसीटीवी कैमरा की सोनू जी, तो यहाँ पे क्राइम का जो है वो क्या ग्राफ है क्राइम का, कि सीसीटीवी की जो है वो जरूरत अगर पड़ती जैसे है? जैसे लड़कियाँ कॉलेज में जाती हैं जी, उनके साथ छेड़छाड़ होती है जी। बच्चे, जैसे महिलाएं आती हैं काम करके, उनके साथ भी यही वो होता है जी। जी, आइए हम इसी कड़ी में जान लेते हैं, हमारे साथ कुछ जो है वो महिलाएं मौजूद हैं जो कि सोनू जी को जो है इसमें सपोर्ट कर रही हैं, उनके फेवर में खड़ी हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा शीला है जी। शीला जी, शीला जी, अगर सोनू जी जो है वो बिजी होती हैं तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप चाहेंगे कि सोनू जी करें गाँव के लिए? बस जी, हम भी यही चाहते हैं जो हमारी सोनू जी करेगी हम इसके साथ हैं जी। ठीक है जी, जो बोला है सोनू जी ने हम उसी के दौरान इसके साथ हैं, और ये जो बोला है सोनू जी ने जो जी। हमें पूरा विश्वास है पार्टी पर जी। ठीक है, हम खरा उतरेंगे और हम उनके साथ हैं जी, जी। और उनका ही साथ है हमारे साथ जी। मैम, कौन कौन सी समस्याएं हैं गांव के अंदर? गांव के अंदर जी बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, जैसे क्या जाति के ऊपर भी समस्या चल रही है और अपने पे बीजेपी के ऊपर भी, और मैं पहले भी बीजेपी में भाई नरेश मिल के साथ रह चुकी हूँ, अपने हलके की प्रधान नहीं हूँ। ठीक है जी, और इस पार्टी पर मेरे को पूरा पक्का विश्वास है, ये पे पार्टी हमारे लिए बहुत कुछ करेगी और किया भी है, बहुत कुछ किया है हमारे लिए। ठीक है, और आगे भी करेंगे जी। मैम बोलिए। कुछ लोग ऐसे भी है ना जी, जैसे के सरकार को बोलते हैं कि भाई सरकार हमारा कुछ नहीं कर रही, फिर यहाँ के ये जो है अपने ये जमींदार भाई ये तो यूं कह रहे हैं कि हमारे को जैसे इनको सब कुछ मिलता है ना, हमारे को भी मिलना चाहिए जी। जिनों के पास खेती है सब कुछ है, गरीब को। ठीक है जी, गरीब को हाँ, कुछ मिलता ही नहीं, और गरीब आदमी का तो कुछ है ही नहीं जी। ठीक है हाँ, तो जी हम यही कहना चाहते हैं, और जो सोनू जी ने बोला ये कॉलेज में छेड़छाड़ होती है लड़कियों के साथ, ये तो बहुत ही सालों से हो रहा है, और इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लग रही जी। तो ये थे गांव की कुछ, सांपला गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ में, और कुछ उम्मीदवार प्रत्याशी सोनू जी, जिन्होंने बताया कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, जिस किस प्रकार से लड़कियों के साथ जो है वो छेड़छाड़ होती है, तो यहाँ पे सीसीटीवी का लगवाया जाना बहुत जरूरी है, और आने वाले अगर वो विजयी होते हैं तो आने वाले टाइम में वो जो है यहाँ पे सीसीटीवी जो है कैमरा उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा गलियों की व्यवस्था, गलियों को ठीक करवाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं ताशा शर्मा जनुदय News. Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.